हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़ इन एयर फ्रायर। सबसे पहले आप एक कढ़ाई में नमक डाल के पानी को उबलने के लिए छोड़ दीजिए। इन द मीन टाइम आप दो बड़े साइज़ के आलू लीजिए और उसको अच्छे से पील कर लीजिए। फ्रेंच फ्राइज़ बनाते समय आलू में एक भी छिलका नहीं होना चाहिए। अब आप उन आलू को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लीजिए, लाइक फिंगर शेप। अब आप स्लाइस्ड आलू को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। दोबारा वॉश करने के बाद आप वाटर को ड्रेन आउट कर दीजिए। अब पानी अच्छी तरह से उबल चुका है, अब हम इसमें स्लाइस्ड आलूओं को डाल देंगे। हमें आलू को 2 से 3 मिनट तक ही उबालना है, जस्ट पार बॉयल। फिर हम गर्म पानी को ड्रेन आउट कर लेंगे और ठंडे पानी से इसको और एक बार वॉश कर लेंगे। फिर हम स्लाइस्ड आलूओं को रेफ्रिजरेटर में 5 से 10 मिनट तक रखेंगे ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, यदि आपको ये इंस्टेंट बनाना है। देन एक बोल में आप स्लाइस्ड आलू को लीजिए, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालिए और थोड़ा सा सॉल्ट, और फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब आप आलूओं को एयर फ्रायर में डाल दीजिए। और उसका टेम्परेचर सेट कर दीजिए 180 डिग्री फॉर 10 मिनट्स। टाइम टू चेक, पोटैटोज आर रेडी, बट इसमें 4 टेक्सचर नहीं आया है, इसलिए हम इसको 2 मिनट और देंगे। अवर फ्रेंच फ्राइज इज रेडी। आप इसको ऐसे ही सर्व करके खा सकते हैं, बट मैं इसको एक बोल में डालूंगी और फिर इसमें पेरी पेरी मसाला ऐड करूंगी टू मेक इट मोर टैंगी एंड मोर टेस्टी। नाउ मिक्स इट वेल। माय फ्रेंच फ्राइज इज रेडी टू ईट। इसको आप सर्व कर सकते हैं टमाटो केचप के साथ और मेयो डिप के साथ भी। दिस फ्रेंच फ्राइज इज़ टेस्टी एंड हेल्दी बिकॉज ये एयर फ्राई में बना है विदाउट एनी डीप फ्राइंग। आई होप यू लाइक इट। इन्जॉय।